मैं अभिजीत बलके। आज हम देखने वाले यूनिलिंक बिजनेस प्लान में ग्रुप बीवी बोनस का इनकम हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप बीवी बोनस का जो इनकम है, हम टोटल कंपनी टर्नओवर के जितने भी बीवीज होते हैं उसके 25% हम बाजू में निकाल के ग्रुप बीवी बोनस के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें से पहला हमारा स्लैब, इसमें अलग अलग स्लैब दिए हुए, उसमें से पहला स्लैब है 2500 बीवी अगर आपके ग्रुप से जाते हैं तो कंपनी आपको 4% कमीशन देगी कंपनी टर्नओवर का। बाद में 5000 बीवी आपके ग्रुप से जाते हैं तो आपको 4% कमीशन मिलेगा कंपनी टर्नओवर का। बाद में आपका 10000 ग्रुप बीवी होता है तो कंपनी टर्नओवर का 4% मिलेगा। बाद में आपका 25000 ग्रुप बीवी होता है तो कंपनी टर्नओवर का आपको 4% कमीशन मिलेगा। बाद में आपका 50000 ग्रुप बीवी होता है तो कंपनी टर्नओवर का 4% मिलेगा। बाद में आपका 1,00,000 ग्रुप बीवी होता है तो कंपनी टर्नओवर की आपको 5% से इनकम आ जाएगी। अभी ये स्लैब हमने डिसाइड किए हुए हैं। अभी इस ग्रुप बीवी में आपके ग्रुप के अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर निकल जाएंगे। अभी वो पॉइंट्स निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है। उसमें से ये पहला फॉर्मूला ऐसा है कि आपका जो भी हाईएस्ट लेग रहेगा उसका हम 1% से पॉइंट निकालेंगे, और जो भी आपके रिमेनिंग लेग, हाईएस्ट लेग को छोड़ के बाकी के लेग रहेंगे उसका हम 5% से पॉइंट इसमें से निकाल देंगे। अभी इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं तो आपको इसमें से पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। मान लेते हैं आप है, आपने 3 लोगों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, ये आपके 3 ग्रुप है, 3 लोगों को आपने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है। इसमें एग्जांपल लेते हैं, आपका पहला वाला ग्रुप है जिसमें 5000 बीवी का बिजनेस हो रहा है, दूसरा वाला ग्रुप है जिसमें 2000 बीवी का बिजनेस हो रहा है, और मान लेते हैं तीसरा वाला ग्रुप है जिसमें आपका 3000 बिजनेस वॉल्यूम आपका इसमें हो रहा है। इसमें अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे आपको कहा कि हाईएस्ट लेग का हम 1% निकालते हैं और रिमेनिंग लेग आपके 5% से पॉइंट निकलेंगे। अभी इसमें से आपका हाईएस्ट लेग कौन सा है, 5000 बीवी वाला। इसका अगर 1% से देखा जाए, 5000 बीवी का 1% से आपके निकले 50, ये पॉइंट निकले हैं आपके। 2000 बीवी मतलब इसके आपको 5% से देखा जाए तो आपके ये 100, ये ग्रुप बीवी के पॉइंट निकल गए आपके। बाद में 3000 बीवी जो है इसके 5% से आपके 150, ये आपके पॉइंट इसमें निकल गए हैं। अभी इसमें देखा जाए तो तीनों ग्रुप के मिला के ये पहले ग्रुप से 50, दूसरा आपका रहा इसमें 100 और तीसरा आपका रहा 150, ये तीनों मिला के लगभग आपके 300 ग्रुप बीवी पॉइंट आपके ग्रुप के बन चुके हैं। जैसे आपके ग्रुप की कोई पॉइंट वैल्यू निकली है वैसे कंपनी के बिजनेस के भी यहाँ पर पॉइंट वैल्यू निकल जाएगी। अभी यहाँ पर आपके ग्रुप से कितना बिजनेस गया है, टोटल 5000, 2000, 7000 और 3000, टोटल 10000 बिजनेस वॉल्यूम आपके ग्रुप से चला गया है। मतलब आप यहाँ आते हो 10000 ग्रुप बीवी के स्लैब में, 4% के स्लैब में आप यहाँ आते हो। अब एक उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं, 50,00,000 बीवी का बिजनेस आपके ग्रुप से अगर चला गया है तो मैंने जैसे बोला कंपनी का 4% कंपनी टर्नओवर का, 50,00,000 का 4% से निकलता है लगभग 2,00,000 रुपए। अभी इसमें कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए, कंपनी के पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2,00,000 को जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स कंपनी में जमा हो चुके हैं उससे डिवाइड करेंगे। अभी नंबर ऑफ पॉइंट्स मीन्स क्या है, आपके जैसे 300 गए हैं, किसी के 500 पॉइंट रहेंगे, किसी के 1000 पॉइंट रहेंगे, किसी के 2000 रह सकते हैं, किसी के 5000 पॉइंट रह सकते हैं, किसी के 10000 पॉइंट रह सकते हैं। अभी ये ऐसे कुल मिला के पूरे पॉइंट की टोटल मान लेते हैं पूरे कंपनी में 50000 हो चुकी है। अभी कंपनी क्या करेगी, इस जमा हुए हुए पॉइंट को कंपनी के टर्नओवर से निकले हुए अमाउंट को डिवाइड करेगी। मतलब 50000 को हम 2,00,000 को हम 50000 से डिवाइड करते हैं तो लगभग मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 कंपनी की वैल्यू यहाँ पर निकल जाती है। अभी कंपनी की वैल्यू यहाँ 4 निकली है, आपके कितने निकले थे, 300, 300 × 4 आपका यहाँ पे लगभग 1200 रुपए का पे आउट यहाँ पर बन गया है। अभी कंपनी, अभी एक के 500 वैल्यू निकली है, कंपनी की वैल्यू 4 रुपए, आपका यहाँ पर 2000 रुपए का पे आउट यहाँ पर बन चुका है। अभी किसी की 1000 निकली होगी, उसका 2 रुपए के माध्यम से यहाँ पर लगभग 2000 रुपए, 4 रुपए के माध्यम से लगभग 4000 रुपए का पे आउट यहाँ पर बन चुका है। किसी की 2000 वैल्यू निकली होगी, लगभग इसका 4 रुपए से 8000 पे आउट यहाँ पर निकला हुआ है। मीन्स पहले आपके ग्रुप के पॉइंट हमने यहाँ पर निकाले हैं और ये सबके पॉइंट इकट्ठा करके कंपनी टर्नओवर का 4% निकाल के उसको नंबर ऑफ पॉइंट से हमने डिवाइड कर दिया तो कंपनी की एक वैल्यू निकली। आपकी वैल्यू और कंपनी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया आपका ग्रुप बीवी बोनस का पे आउट। अभी हमने इसमें एक एग्जांपल देखा है और एक एग्जांपल में हमें, हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं यही आपके 3 ग्रुप है,
हजार बीवी का बिजनेस जा चुका है इस महीने में, आपके दूसरे वाले ग्रुप से 30,000 बीवी का बिजनेस गया है और तीसरा वाला ग्रुप आपका जीरो जा चुका है। जैसे मैंने आपको कहा था, हमने फॉर्मूला यहाँ पर सेट किया है, हाईएस्ट लेग 1%, रिमेनिंग लेग बचे हुए लेग का 5%। अब इसमें आपका हाईएस्ट लेग कौन सा बन गया है, 50,000 वाला। तो 50,000 का हम 1% से लगभग आपके यहाँ पे 500 पॉइंट निकल चुके हैं, और अभी रिमेनिंग लेग मीन 30,000 आते हैं, इसका 5% से आपके लगभग 1,500 पॉइंट यहाँ पर बन चुके हैं। अभी आपके कुल मिला के दोनों 500 और 1,500 कुल मिला के आपके ग्रुप से 2,000 पॉइंट आपके बन चुके हैं, मतलब आपके ग्रुप की पॉइंट की वैल्यू क्या आई, 2,000 आई। अभी जैसे लास्ट टाइम हमने कंपनी की वैल्यू निकाली थी, फिर से यहाँ पर कंपनी की वैल्यू निकलेगी। वो कैसे निकलेगी, जैसे देखा जाए 50,000 और 30,000, 80,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पूरे आपके ग्रुप से जा चुके हैं। अभी 80,000 ग्रुप के हिसाब से आप आते हो यहाँ पे 50,000 के स्लैब में, 4% के स्लैब में। जैसे हमने पकड़ा था एग्जांपल के तौर पे 50,00,000 कंपनी का टर्नओवर जा चुका है, इसे हम लोग क्या करेंगे, मतलब आपका 4% आपको मिलेगा 50,00,000 का, 2,00,000 रुपए कंपनी यहाँ पे बाजू में निकाल देगी, और सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने जमा हुए हैं, मीन जैसे आपके 2,000 हुए हैं, किसी के 1,000 हो सकते हैं, किसी के 5,000 भी हो सकते हैं, किसी के 10,000 भी हो सकते हैं, ऐसे मान लेते हैं कुल मिला के 1,00,000 पॉइंट कंपनी में जमा हो चुके हैं। मीन अभी इस 1,00,000 को हम क्या करेंगे, 50,00,000 का जो भी 4% से अमाउंट आया है 2,00,000 रुपए का, उसको हम डिवाइड करेंगे 1,00,000 से। अगर 1,00,000 से डिवाइड हम लोग करते हैं तो लगभग यहाँ पे आपके कंपनी के ग्रुप बीवी की वैल्यू आती है 2 रुपए की, पॉइंट की वैल्यू निकल जाती है। अभी कंपनी की वैल्यू 2 रुपए यहाँ निकली है, आपकी वैल्यू 2,000 थी, 2,000 इंटू 2 रुपए आपका यहाँ पर 4,000 रुपए का पे आउट ग्रुप बीवी का जनरेट हो गया। अभी किसी के 1,000 पॉइंट निकले थे, इसका 2 रुपए से 2,000 रुपए का पे आउट यहाँ पर निकल गया है। किसी की 5,000 निकली थी, इंटू 2 रुपए से आपका 10,000 रुपए का पे आउट यहाँ पर निकल गया है। किसी की 10,000 वैल्यू निकली थी, 2 रुपए से आपका 20,000 का पे आउट यहाँ पर निकल चुका है। तो ये एक एग्जांपल हमने देखा है इसमें, और एक एग्जांपल हम लोग इसमें देखते हैं, फिर आपको पूरी तरह ये इनकम ग्रुप बीवी बोनस का इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम थोड़ा ये एग्जांपल में ज्यादा बिजनेस अमाउंट का बिजनेस पकड़ते हैं, ज्यादा बीवी का इसमें देखा जाए तो पहला मान लेते हैं ये लेग आपका 5,00,000 बीवी का जा चुका है इस महीने में, दूसरा लेग आपका 3,00,000 बीवी का जा चुका है, तीसरा लेग आपका 2,00,000 बीवी का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हो चुका है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको सेम कहा था, हम हाईएस्ट लेग का 1% और हाईएस्ट लेग के अलावा रिमेनिंग लेग के 5% से हम लोग पॉइंट आपके ग्रुप के निकाल देते हैं। इसमें देखा जाए तो 5,00,000 बीवी आपका हाईएस्ट लेग है, इसका 1% के हिसाब से आपके 5,000 पॉइंट यहाँ पर निकल गए हैं। बाद में इसके बाद का रिमेनिंग लेग में 5%, 3,00,000 का 5% से आपका यहाँ पर 15,000 पॉइंट आपके निकले हैं। बाद में 2,00,000 का 5% से आपका यहाँ 10,000 पॉइंट यहाँ पर निकल गए हैं। अभी इसमें कंपनी क्या करेगी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि 5,000 पॉइंट तो हमारे यहाँ से निकले हैं, इस ग्रुप बीवी के लिए हमने क्या किया हुआ है, मीन्स एक लगभग 5,000 पॉइंट का हमने यहाँ पर कैपिंग लगाया हुआ है, 5,000 पॉइंट का कैपिंग, मीन्स यहाँ से 5,000 पॉइंट निकले हैं तो ये आपके 5,000 पकड़े जाएंगे, यहाँ से आपके 15,000 पॉइंट निकले हैं तो कंपनी ने 5,000 पॉइंट का मिनिमम यहाँ पे कैपिंग दिया हुआ है, 15,000 पॉइंट में से हम यहाँ पे 5,000 पॉइंट पकड़ेंगे, यहाँ से आपके 10,000 पॉइंट जा चुके हैं लेकिन कैपिंग की वजह से हम यहाँ पे 5,000 पॉइंट पकड़ेंगे, टोटल आपके ग्रुप से कुल मिला के 15,000 पॉइंट आपके जा चुके हैं। अभी आपके 15,000 जा चुके हैं पॉइंट यहाँ से, लेकिन आपको कमीशन कैसे मिलेगा, आपके पूरे ग्रुप से 5,00,000, 3,00,000, 8,00,000 और ये 2,00,000, टोटल कुल मिला के 10,00,000 बीवी का आपका बिजनेस पूरे ग्रुप से जा चुका है। लेकिन अब 10,00,000 बीवी के हिसाब से 1,00,000 का स्लैब आपने क्रॉस कर लिया तो आप आते हो 5% कंपनी टर्नओवर के कमीशन में। तो यहाँ पे हमने सपोज एग्जांपल हम लेते हैं, 50,00,000 बीवी का कंपनी का टर्नओवर जा चुका है, इसके हम 5% डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, 50,00,000 का 5% से आपके यहाँ पर निकलते हैं 2,50,000 रुपए के अमाउंट। अभी इसमें हम पकड़ते हैं जैसे आपके 15,000 पॉइंट जा चुके हैं, मतलब 15,000 आपके पॉइंट है, किसी के 10,000 रहेंगे, किसी के 20,000 रहेंगे, किसी के 30,000, किसी के 40,000, ऐसे कुल मिला के हम पकड़ते हैं लगभग 2,00,000 पॉइंट पूरे कंपनी में जमा हो चुके हैं।
अभी जितने पॉइंट कंपनी में जमा हुए हैं और कंपनी की जो भी अमाउंट निकली है 5% से कंपनी टर्नओवर की, उसे हम 2 लाख से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अगर 2 लाख से डिवाइड करेंगे 1.25 रुपए, ये कंपनी के ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम की पॉइंट की वैल्यू निकलती है और आपके पॉइंट की वैल्यू ये निकली हुई है। आपके पॉइंट की वैल्यू 15,000 है ग्रुप बीवी की इंटू कंपनी की वैल्यू 1.25 रुपए, लगभग आपको 15,500 रुपए लगभग यहाँ पे आपका पे आउट बन चुका है। बाद में 10,000 से लेके 1.25 रुपए 12,000-12,500 लगभग आपका पे आउट बन चुका है यहाँ पे, मीन्स 1 रुपए से सारे इसको मल्टीप्लाई करके आपकी यहाँ वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरह कंपनी ने ग्रुप बीवी बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।